दोस्तों नमस्कार, सब भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक पंचगव्य पे। दोस्तों जो भाई नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, दोस्त हैं, उनमें वीडियो को आप शेयर करें ताकि अच्छे से अच्छी हम गोमाता आपके दोस्तों तक पहुँचा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक साहिवाल नस्ल की गाय की वीडियो। बहुत ही बढ़िया साहिवाल नस्ल की गाय है ये, और आप देख सकते हो इसकी मैं डिटेल बताता हूँ। ये दूसरे लैक्टेशन में है, दूसरे ब्यात में है, और इसने बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी साहिवाल नस्ल की बछड़ी को जन्म दिया है, फीमेल काफ को जन्म दिया है। बहुत सारे मेरे भाई भाइयों को साहिवाल नस्ल की गाय, अच्छे दूध वाली और बछड़ी वाली गाय चाहिए थी। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ वही वैसी ही गाय। बहुत ही शरीफ गाय है, बिल्कुल लात नहीं मारती ना सींग मारती है, बहुत प्यारे से आराम से दूध निकलवाती है। कोई भी इसका दूध निकाल सकता है, बच्चा भी दूध निकाल सकता है, बिल्कुल लात नहीं मारती। देख ले दोस्तों, बाल्टी खाली दिखा दी गई है और इसकी एक एक थन की अभी हम धार मार के दिखाएंगे। मेरे भाइयों अक्सर मैं जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको एक चीज़ बताता रहता हूँ मैं कि भाई जब भी आप दूध निकाल लें पित्तल की बाल्टी में निकाल लें, क्योंकि जो पित्तल है वो हमारे आदिकाल से हमारे भारत में, हमारे देश में आदिकाल से यूज होता आया है। इससे दूध की गुणवत्ता बरकरार रहती है। अगर आप स्टील की बाल्टी में दूध निकालते हैं या एल्यूमिनियम की बाल्टी में दूध निकालते हैं या प्लास्टिक की बाल्टी में दूध निकालते हैं, तो उसमें दूध के अंदर जो एक सात्विक एनर्जी रहती है वो खत्म हो जाती है, दूध की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। तो आप भाइयों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में जो भी आप गौमाता रखते हैं आप कृपया करके पित्तल की बाल्टी में दूध निकालना चालू कीजिए। इसका फिर आपको धीरे धीरे टेस्ट में फर्क महसूस होने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों ये गाय की अभी 4 दांत हैं और 5 दिन ब्याह हो गए हैं, केवल 5 दिन की ये बहुत प्यारी बछड़ी है। और ये बछड़ी सीमन की बछड़ी है, हमने जिस किसान से खरीदी थी उसको याद नहीं है ये कौन से नंबर बुल की बछड़ी है, लेकिन बहुत प्यारी बछड़ी है। और आप देख सकते हैं कितनी इसमें अंदर एनर्जी है, चंचलता है। और दोस्तों हमारे यहाँ पे राठी नस्ल की गायें, साहिवाल नस्ल की गायें, थारपारकर नस्ल की गायें और हरियाणा नस्ल की गायें, और कभी कभी हमारे पास कपिला गाय आ जाती है, पूरी जेट ब्लैक काली कपिला गायें, एकदम काली। और इस तरह की कपिला गायों की काफ़ी डिमांड रहती है, तो वो भी हम बहुत जल्द एक काली कपिला गाय की वीडियो लॉन्च करने वाले हैं। और जिन भाइयों को काली कपिला गाय चाहिए तो उनको बहुत जल्दी बहुत अच्छी प्यारी काली कपिला गाय देखने को मिलेगी। दोस्तों इस गाय की सारी डिटेल मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी भाई डिटेल देखना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल देख सकते हैं, रेट, इसकी लैक्टेशन, मिल्किंग और पूरी चीज़ें मैं डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भी भाई अपने बच्चों को ए टू मिल्क पिलाना चाहते हैं, क्योंकि ए टू दूध बहुत ही पौष्टिक कारक है, और देसी गाय का जो दूध है वो ए टू दूध होता है, विदेशी गाय का HF जर्सी का जो दूध है वो A1 है, जो बीमारियां फैलाता है। बहुत सारे मेरे भाई मेरे को फोन करते हैं और मेरे से बातें होती रहती हैं, वो कहते भाई हमारे पास HF गाय थी, अब हम धीरे धीरे हटा रहे हैं, कुछ हटा दी, कुछ थोड़ी बची हैं वो भी हटा रहे हैं, और वो देसी गाय की तरफ अब उनका पूरा रुझान है। दोस्तों देसी गाय के दूध में जो अमृत पाया जाता है, स्वर्ण तत्व पाया जाता है, वो HF जर्सी गाय में कतई नहीं है। तो सब भाइयों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने घरों में HF जर्सी को हटा दीजिए, देसी गौमाता लाइए, हमारी स्वदेशी नस्लें हैं और यही हमारे को आगे चल के बीमारियों से बचाएंगी। दोस्तों गाय की मिल्किंग, कुछ मिल्किंग हमने कर दी है, ये करीब 7 लीटर की बाल्टी है, पित्तल की बाल्टी 7 लीटर की है,
हमने 7 लीटर दूध इसमें निकाल दिया है। अभी जो कुछ बचा है वो एक दूसरी बाल्टी में अभी दूध निकाल देंगे। आप देख रहे हो पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई लात नहीं चला रही है, कोई सींग नहीं मार रही है, बहुत ही सरल स्वभाव की गाय है। बहुत सारे भाइयों को इसी तरह की गायें चाहिए होती हैं, तो मैं कोशिश करता हूं हम इसी तरह की गायें ढूंढ के लाएं जो बहुत सरल नर्म स्वभाव की गायें हो। कोई भी जो घरों में माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी व्यक्ति इसको गाय का दूध निकाल सकता है, किसी तरह का इसको कोई भी हिचक नहीं है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, गाय को हरा चारा जरूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप हरा चारा खिलाएंगे। उसका एक रेशो है, रेशो क्या है, 70% हरा चारा और उसमें से बच का जो 30% आप सूखा चारा दें। सूखा चारा 30%, हरा चारा 70%, ये एक रेशो है। इस रेशो में आप देंगे तो गाय को पेट की समस्या, गोबर की समस्या, कब्जी, दस्त, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ना तो पूरा हरा चारा नहीं खिलाना, ना पूरा सूखा खिलाना। और जो दोस्तों फीड है, फीड भी मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टाइम वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं ये दूसरी बाल्टी में करीब 1.5 लीटर, 1 लीटर के आसपास दूध निकाल दिया है, बछड़ी के लिए छोड़ दिया, बछड़ी आराम से दूध पी रही है। तो जो भी भाई गाय माता को लेना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे फोन करें, व्हाट्सअप करें। दोस्तों कई बार मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ, आप व्हाट्सअप करके मेरे को ये गाय का वीडियो नंबर है 127 और मेरे को बताएं 127 नंबर की गाय हमें लेनी है। धन्यवाद दोस्तों।